जय हिंद दोस्तों। सेना से रिटायर होते हैं तो उसमें कई पे अलाउंस, ट्रांसफर ग्रांट, एमएससीपी वो आपके पेंडिंग रह जाते हैं और उसका आपको एरियर नहीं मिल पाता है। ऐसा ही मामला हुआ था एक पेंशनर्स के साथ। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर ज्यादातर पेंशनर्स सभी अपनी ही यूनिट से रिटायर होकर गए थे, कोई भी डिपो नहीं गया था, जिसकी वजह से आपके जो पेंशन से संबंधित दिक्कत थी वो दिक्कतें काफी रही और वो आपको एरियर पूरी तरह से नहीं मिल पाए। कौन कौन से एरियर नहीं मिल पाए हैं, एक आरटीआई आई है और ये आरटीआई एक पेंशनर्स ने डाली थी जिसका रिप्लाई 28/9/2023 को आया है। और बता दें ये पेंशनर थे हवलदार बलराम, जिन्होंने आरटीआई डाली थी और ये रिटायर हुए थे उस टाइम। इनके कई ऐसे जो अलाउंस हैं, सीए हैं, वो सारी चीज पेंडिंग रह गई थी। तो कौन कौन सी चीजें आपकी भी पेंडिंग हो सकती हैं, और जो कोविड के टाइम पर रिटायर हुए उनको तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जैसे कि आपको आरटीआई में जो पूछा गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगा गया था जवाब, इसको इसमें कहा गया था, जो कहा गया था उसके संदर्भ में जवाब आया है और इसमें कहा है कि जो आपने आरटीआई डाली है उसके माध्यम से जो आपने प्रश्न पूछे हैं उनके सवाल दिए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे थे और क्या क्या इसमें जवाब आए हैं, कौन कौन से आपके पार्ट टू गलत हैं जिसकी वजह से आपको उसका फायदा नहीं मिला है। कार्यालय रक्षा लेखा अपर नियंत्रण की तरफ से 27/9/2023 को ये रिप्लाई सारे आए हैं और वो पेंशनर्स वही हैं बलराम को, जो पेंशनर्स हैं उनको ये रिप्लाई आए हैं। इसमें कौन कौन से रिप्लाई आए हैं, सबसे पहले तो पेंशनर्स की दिक्कत सबसे ज्यादा होती है अगर एमएससीपी और प्रमोशन आ जाते हैं एक ही साल, एमएससीपी उसी साल आना होता है और उनको प्रमोशन भी उसी साल आ जाता है, तो आपको इसमें एक ऑप्शन फॉर्म दिया जाता था। ऑप्शन फॉर्म के तहत आपको फिक्स करना होता था कि हमें प्रमोशन का फायदा लेना है या फिर एमएससीपी का फायदा। तो कई पेंशनर्स ये ऑप्शन फॉर्म नहीं भरते थे जिसकी वजह से उनको एक ही इंक्रीमेंट मिला, या तो प्रमोशन का ले ले या एमएससीपी का ले ले। अब इनके संबंध में कहा है ऑप्शन फिक्स के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि आपको एमएससीपी का लाभ पहले ही दिनांक 28/1/2012 को प्रदान किया जा चुका है, अतः प्रमोशन के समय ऑप्शन फिक्स नहीं दिया जा सकता है। यानी कि आप प्रमोशन भी ले रहे हैं तो आपको एमएससीपी ऑप्शन फिक्स नहीं दिया जाएगा, एक ही चीज दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा आया है सीए, क्योंकि हम रिटायर होते हैं उस साल का आपका सीए रिकॉर्ड की तरफ से नहीं किया जाता है, क्योंकि जो मार्च के बाद रिटायर होंगे उनका तो सीए हो जाता है, लेकिन जो मार्च के पहले रिटायर हो जाते हैं उनका सीए पेंडिंग रह जाता है। जिसके बाद इसमें कहा है सीए में संबंधित दैनिक आदेश पार्ट टू का समायोजन किया जा चुका है, जिसका भुगतान 8/2023 में आपका भुगतान बैंक खातों में कर दिया गया है। बता दें जो आप मार्च से पहले जो रिटायर हो जाते हैं 31 मार्च से पहले, उनका सीए आपको घर में आने के बाद उसका सीए का क्लेम भेजना होता है और वो भेजने के बाद ही आपको सीए क्लेम होता है। कई पेंशनर्स ऐसे होते हैं जो इस सीए को छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़े ना, आप घर में आके भी अपने रिकॉर्ड को ये साथ में उधर से डॉक्यूमेंट बनवा के लाए और रिकॉर्ड को आप घर में एक तारीख को, यानी कि 31 मार्च को रिटायर होते हैं तो 1 अप्रैल को वो डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। 31 तारीख से पहले पहले वो डॉक्यूमेंट नहीं भेजे जाते हैं, क्योंकि आप 31 तारीख को, अगर 31 मार्च को रिटायर होते हैं तो आप वो पहले नहीं भेज सकते हैं। इसमें कहा गया है लीव इनकेसमेंट के संबंध में जो आपका पार्ट टू है वो फॉर्म डाटा सही नहीं है, पार्ट टू गलत किया है आपने, गलत होने की वजह से आपका जो समायोजन नहीं हो पाया है। इस संबंध में तोपखाना अभिलेख कार्यालय के यूनिट 311 मेडिकल मीडियम रेजिमेंट को इसको दे दिया गया है। यानी कि जो इनकेसमेंट में आपकी जो नहीं आपको इनकेसमेंट मिला है उसका, उसकी सबसे बड़ी वजह ये हो जाती है कि आपके जो पार्ट टू किया गया है यूनिट की तरफ से वो सही नहीं किया है। कोविड के टाइम पर जो पार्ट टू किए गए थे वो यूनिट से सीधा उधर भेज दिए गए, अब इसके बाद आप जब रिटायर होकर घर आ जाते हैं तब आपका ये उधर से पता चलता है, ऑब्जर्वेशन आ गया कि आपका पार्ट टू सही नहीं है, तो फिर आपका वो पेंडिंग हो जाता है। ऐसे ही इन पेंशनर्स का हुआ है। इसके बाद टीपीटीएल के संबंध में भी ऐसे कई केस हो जाते हैं जो टीपीटीएल आपको सही नहीं मिल पाता है। इसके बाद ट्रांसफर ग्रांट के संबंध में भी पार्ट टू गलत हो जाते हैं, अब इसमें भी पार्ट टू जो किया है वो गलत किया है, उसकी वजह से फिर इन्होंने
311 मीडियम रेजिमेंट को फिर उसको भेजा है लेटर, उसके बाद आप पार्ट टू अगर सही होगा तभी इसका आपको पैसा क्लेम मिलेगा। इसके बाद एचआरए का भी पार्ट टू गलत होने से भी आपको एचआरए नहीं मिलता है, तो जो कोविड के टाइम पर आए उनके एचआरए भी पेंडिंग है, और सबसे ज्यादा सीए पेंडिंग है जिनको सीए का भी पैसा नहीं मिल पाया है। तो ये रिप्लाई आया था, अब मैं आपको एक दिखा देता हूं लेटर। जब इसके बाद जब ये आरटीआई आई, आरटीआई से जब ये पता चला तब इसके बाद यूनिट को आरटीआई भेजी गई, और यूनिट ने फिर तोपखाना अभिलेख आरटीआई रिकॉर्ड को लेटर लिखा गया, और उसके बाद वो पार्ट टू सारे किए गए, एचआरए का पार्ट टू किया गया, टीपीटीएल का पार्ट टू, रम सिगरेट अलाउंस का पार्ट टू किया गया। उसके बाद अब इनको हो सकता है इनका पैसा आ जाए, क्योंकि वो पार्ट टू गलत थे। ऐसे अगर पार्ट टू गलत हो जाए तो आपको क्या करना है, दोबारा पार्ट टू यूनिट को लेटर लिखना है। रिटायरमेंट के बाद भी यूनिट को लेटर लिखा के पार्ट टू कर सकते हैं, और देख सकते हैं इसके बाद आप पूरी पेंशन स्लिप भी आप जारी हो जाती है। तो आप पार्ट टू बाद में जरूर करा लें, जो भी पेंशनर्स ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद आपका कुछ भी पेंडिंग है, तो यूनिट के पार्ट टू भी, अगर यूनिट के पार्ट टू गलत हुए हैं तो उनको फिर से सही कराया जा सकता है, दोबारा पार्ट टू कराया जा सकता है। ये थी जानकारी, थैंक यू, जय हिंद।